नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। झांसी जिले के एरच थाना क्षेत्र के टिहरका बालू घाट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब उपजिलाधिकारी गरोठा धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने एरच थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह और खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बालू घाट पर छापेमारी की। छापेमारी से नदी पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागते नजर आए। छापेमारी में टिहरका बालू घाट पर मौजूद एक पॉकलैंड मशीन और एक डंपर ट्रक पर कार्यवाही की गई है। उपजिलाधिकारी गरोठा धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि जिलाधिकारी झांसी के निर्देश पर खनिज विभाग के अधिकारी और थाना अध्यक्ष एरच मय पुलिस बल के साथ एरच थाना क्षेत्र के टिहरका बालू घाट पर छापेमारी की गई, जहां से एक पॉकलैंड मशीन और एक ट्रक को अवैध खनन में लिप्त मानते हुए कार्यवाही की गई। और ऐसी कार्यवाही हर समय की जाएगी। क्षेत्र में किसी भी कीमत पर अवैध खनन का कार्य नहीं करने दिया जाएगा। जो भी ऐसे कार्य करते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। छापेमारी करने वाली टीम में उपजिलाधिकारी गरोठा धीरेन्द्र प्रताप सिंह, खनन इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह, खनिज सर्वेयर अशोक कुमार मौर्य, एरच थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह, उपनिरीक्षक PL प्रजापति, उपनिरीक्षक कृष्ण मुरारी एवं थाने के कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए एरच से बाल मुकुंद राय कवार की रिपोर्ट। सर, आज एरच थाना क्षेत्र के किसी घाट पे छापेमारी की कार्रवाई की गई है और कौन सा घाट है वो और क्या कार्रवाई वहाँ पे की गई? हाँ, अवगत कराना है कि आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में घाट टेहरका जो पट्टे घाट के लिए अलाट किया गया है, बालू घाट के लिए अलाट किया गया है। कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ पे अवैध खनन भी होता है, जिसके क्रम में एक टीम बनाई गई जिसमें मैं जिलाधिकारी गरोठा, यशो एरच, मैं थाना फोर्स और माइंस इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे छापेमारी की गई आज लगभग 3 बजे। तो घाट पे तो कोई खुदाई उस समय तत्काल रूप से नहीं हो रही थी और जो पहले खुदाई हुई थी वो अपने घाट की जो सीमा है उसके अंदर हुई थी। बट एक जो है वहाँ पे पोकलैंड जो ऐसा लग रहा था कि ये पानी से बालू को निकाला गया इसके द्वारा, तो उस पोकलैंड को और एक उसके साथ एक डंपर को याद के तौर पर सीज किया गया है, मानते हुए कि ये जो है अवैध खनन में ये जो लिप्त थे। और वहाँ पे छोटे मोटे बालू के ढेर थे बगल में, उसको बता दिया गया, इसको हटा दिया जाए जल्दी से। तो किसी प्रकार की जो अवैध अगर इलीगल माइनिंग होती है तो उसके लिए तत्काल जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।